गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ श्रेयस सुरेश विचारे। तो आज जो हमारा आर्ट स्केप का लेक्चर हुआ था, उसमें सबसे पहले जो हमने एक्टिविटी की, हमने आके रिलैक्स हो गए, मतलब हमने लेटा। फिर उससे क्या हुआ, हमारी जो ब्रीदिंग पावर थी वो हमें समझी। मैम बोली थी इनहेल एक्सहेल, उससे हमको वो समझा। बाद में हमको एक पेपर दिया गया, एक पेन दिया, फिर उससे हमारी जो ब्रीदिंग हमारी ऊपर जा रही, जैसे वेंटिलेटर पे आता है वैसे हमने वो रीडिंग्स बनाई। फिर वो करते गए, फिर हमने गाना सुना आके बंद करके, उसको फील किया। उसके बाद जो हमारा जो मतलब अपने जो तीन स्पीड होते हैं, फास्ट स्लो मीडियम, उसमें हमने वॉक किया। मतलब जो हमने मीडियम में वॉक किया, जैसे हम गार्डन में वॉक करते वो किया। फिर जो फास्ट किया वो ऐसे हरी में थे कि हमारी ट्रेन छूट रही है या किसी और के पास हमने मीटिंग फिक्स की है उसके पास जाना है हमको। और जो स्लो मो किया वो तो सबसे बेस्ट, हमको लगा हम रोबो सिटी में आए, कुछ और ही चल रहा है, सब दुनिया रुक गई है ऐसा लगा। फिर हमने लास्ट एक्टिविटी जो की, जिसमें हम सब मतलब ऐसे बैठे थे और गाना सुन रहे थे, वो जो गाना सुनते हैं ना हम जब भी, तो हमको ज़रा अच्छा लग रहा था। और फिर हमने हमको एक किशमिश दिया गया, हमारी आंखें बंद थी, हमको वो फील करना था पहले दो उंगलियों पे। फिर जब हम उसको टंग पे लेके गए फिर अलग लगा, पहले हम जब भी हाथ पे रखे थे स्लाइम लग रहा था, फिर जब भी टंग पे लेके गए कुछ और ही लग रहा था। फिर फर्स्ट बाइट में हमको थोड़ा अच्छा लगा, कुछ ऐसा लगा कि हाँ कुछ तो इंटरेस्टिंग है। फिर दूसरे बाइट में उसका फ्लेवर किशमिश का और उभर के आया। फिर जब भी पूरा खाया तभी पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि कोई चीज़ हम खा रहे वो फील करके खा रहे। तो इस वाले सेशन से मैंने ये सीखा कि कुछ भी काम कर रहे हो उसको फील करो, कुछ खा रहे हो उसको फील करके खाओ, क्योंकि जब भी आप फील करोगे उस चीज़ को तभी आपको वो चीज़ सबसे ज़्यादा समझ में आएगी। थैंक यू आर्टस्केप।